तेज प्रताप यादव, आज इस नाम को कौन नहीं जानता। बिहार के राजनीति का तेजी से उभरता चेहरा, लोगों में खासा लोकप्रिय और विपक्षियों पर अपनी बातों पर एक अलग अंदाज में पेश करना ही इनकी पहचान है। अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आक्रामक और बेबाक छवि को आत्मसात करने वाले तेज प्रताप यादव का जन्म 1989 में हुआ था। तेज प्रताप की छवि एक धर्मनिरपेक्ष नेता की है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप महुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और महागठबंधन की सरकार में सिर्फ 26 वर्ष की उम्र में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बने। महज 20 महीने चलने वाली इस सरकार में तेज प्रताप ने विकास संबंधी कई कार्य किए। हालांकि महागठबंधन के टूट जाने और नीतीश कुमार को भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना लेने से तेज प्रताप को अपने पद त्यागने पड़े और उन्हें अपनी क्षमता दिखाने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, परंतु विरोधियों पर अक्सर अपने रौद्र रूप को वो दिखाते रहते हैं। तेज प्रताप के बोल में उनके पिता लालू प्रसाद की छवि का एहसास होता है। जब वो किसी सभा को संबोधित करते हैं तो उनकी बोली में अपने पिता लालू प्रसाद की तरह ठेठी शब्दों का प्रयोग ज़्यादा होता है, जो उन्हें बाकी सभी नेताओं की भीड़ से अलग करता है। हालांकि तेज प्रताप यादव अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में बिहार की जनता को तेज प्रताप के रूप में एक आक्रामक और प्रभावशाली नेता मिलने वाला है, जो बिहार की राजनीति में एक अलग छाप छोड़ने वाला होगा। तेज प्रताप ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के टक्कर में धर्मनिरपेक्ष सेवा संघ यानी DSS की स्थापना की, जिसमें सभी धर्मों के लोगों के शामिल होने की बात की गई। तेज प्रताप ने RSS के आरक्षण विरोधी जैसे मुद्दे पर कहा कि DSS RSS को खदेड़ देगा, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। तेज प्रताप ने अपने राजनीति की शुरुआती दौर में ही अपनी एक अलग पहचान बना ली है। अब ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि राष्ट्रीय जनता दल पार्टी को तेज प्रताप के रूप में एक युवा सोच से ओतप्रोत और छात्र युवाओं में काफी लोकप्रिय नेता मिलने वाला है। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार को सब्सक्राइब करें और बिहार के निष्पक्ष एवं ताज़ा खबरों के लिए हमारे वेबसाइट bihari.news को विजिट करें। शुक्रिया।